हेलो गाइस, आई एम निशा, निशा फूड ग्रेस में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई में बनाने जा रहे हैं आलू, बैंगन और मूली की बहुत ही टेस्टी चटपटी सब्जी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है चावल के साथ, रोटी के साथ, आप पराठे के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई लिया, उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल गरम कर लेंगे अच्छे से पहले। और ये सब्जी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगती है और आप जिसे ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मेथी। मेथी का तड़का इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, मेथी अच्छे से लाल हो जाए उसके बाद डालना है यहाँ पर जीरा। 1/2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें जीरा। और 1 प्याज डालेंगे, उससे पहले डालेंगे 1 पिंच हींग। तो प्याज को बारीक कट करके हमें यहाँ पर डालना है। तो 1 प्याज इस तरह से डाल दी। जब मेथी और जीरा अच्छे से तड़क जाए, फूटने लगे, तब डालना है। उसके बाद 6-7 आलू को इस तरह से कट कर दिया। ये मीडियम साइज़ के आलू थे, इन्हें छील कर धुल कर कट कर लिया है। इसे डालकर हाई फ्लेम पर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 मिनट इस तरह हमें आलू को भूनना है, फ्राई करना है। प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, पिंक हो जाएगी, उतनी देर तक हमें इसे फ्राई करना है। तो आलू को फ्राई करना ज़रूरी है, इसमें क्रंचीपन आएगा। और उससे पहले डाल देंगे यहाँ पर हल्दी, क्योंकि हल्दी का भी भुनना ज़रूरी है, हल्दी का कच्चापन अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हल्दी डाल देंगे, कलर भी बहुत अच्छा आएगा, शानदार आएगा। तो ये सब्ज़ी ट्राई ज़रूर करिएगा, ये गांव में बनती है और जो कि बहुत सी स्वादिष्ट बनती है। यहाँ पर मूली डाल देंगे, 2 बड़ी मूलियों को इस तरह से छील कर कट कर लिया है। और इस तरह बिना छीले मत डालिएगा, अगर थोड़ी बहुत भी मिट्टी की किरकाहट होगी तो ये सब्जी के टेस्ट को ख़राब कर देगी। तो अच्छे से कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 बड़ा बैंगन है ना, वो बड़ा है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 बैंगन डाला है। ये बड़ा वाला मोटे वाले बैंगन थे, तो यहाँ पे 1/2 बैंगन डाला है। इसे भी डालने करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इस तरह से हमें मिक्स करते रहना है। और अभी भी मैं सब्जी का फ्लेम हाई रखा है, क्योंकि ये सारी सब्जियाँ पानी छोड़ेंगी, मूली भी पानी छोड़ता है, बैंगन भी पानी छोड़ेगा। तो इस तरह से हमें कर लेना है। और फिर 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ डाल लेना है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जीरा पाउडर डाल दिया 1/2 चम्मच और सारी सब्जियों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। उससे पहले हम यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डाल लीजिएगा स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर नमक भी डाल दिया। फिर सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स। मिक्स करके इसको हमें फिर लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। और अच्छे से जब हमारी सब्जी के कलर आ जाए, मसाले अच्छे से भून जाएंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इस तरह से हमें मसालों को सारे अच्छे से मिक्स कर लेना है कि सारी सब्जियों पे अच्छे से मसालों की कोटिंग हो जाए। फिर इसको ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें पकाना है कि अच्छे से सारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएँ। तो 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे इस तरह से। फिर 5 मिनट बाद हम ओपन करेंगे इस सब्जी को कि देखिए कैसा इसका टेक्सचर हुआ है। तो ये देखिए कितनी शानदार है। अगर आपको सूखी सब्जी खानी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर गरम मसाला और आमचूर पाउडर डालिए और इसे 2 मिनट फिर कुक कीजिए और ये सब्जी आपकी सूखी तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है सूखी भी। तो यहाँ पर डाल दिया 1 बड़ा टमाटर कट करके, अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद यहाँ पर डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से पानी। तो पानी हम यहाँ पर 1.5 से 2 गिलास पानी डालेंगे, जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल दिया है और कर लेना है सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर हमें 6 से 7 मिनट तक ये सब्जी को पकाना है, जब तक कि इसमें ना ऑयल सेपरेट ना हो जाए, उतनी देर तक पकाना है। फिर उसके बाद 6-7 मिनट बाद ओपन करेंगे तो सब्जी का कलर देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं कैसा आया है। तो ये देखिए कितनी शानदार दिख रही है ये सब्जी ना। तो ये करीब 6 से 7 मिनट हुए हैं और ये सब्जी हमारी कितनी शानदार हो गई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी की। तो यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें हमें डालनी हैं। तो यहाँ पर डालूँगी मैं सब्जी मसाला। मैं यहाँ पे गरम मसाला नहीं डाली हूँ, अगर सब्जी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला या किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। तो 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे डाल दी हूँ सब्जी मसाला। और सब चीज़ों को कर लेना है आपस में मिक्स। पहले नहीं निकला था तो मैं यहाँ पे फिर से डाल रही हूँ। तो अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद फिर इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
2 मिनट बाद ये सब्जी को ओपन किया तो ये देखिए हमारी शानदार सब्जी तैयार है, आलू मूली और बैंगन की, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हर कोई सोचेगा ये मूली की सब्जी कैसी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, पूरी सब्जी चट हो जाएगी, इतनी स्वादिष्ट ये लगती है। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।